नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से महिंद्रास यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का पसंदीदा शो द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस स्टार्ट हो चुका है। आज है 5 नवंबर, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए 2-3 सेशन मिस करने के लिए कुछ जरूरी काम की वजह से उसके लिए मैं माफी मांगूंगा, लेकिन इस सेशन में भरपूर मजा आएगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी, एमसीक्यू भी रखे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैम के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का द हिंदू एडिटोरियल एंड वोकैब एनालिसिस में स्वागत है। दिन की शुरुआत आप ही से होनी है। आज सर है तो आप जितनी शिकायतें हैं सर से कर सकते हैं। कोट ऑफ द डे से होगी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे एनालिसिस होगा, एडिटोरियल्स पे ओवरव्यू, वोकैब्स होंगे, एमसीक्यू क्विज, इडियम्स फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आर्टिकल डिस्कशन, एक्स्ट्रा अपडेट्स विद मैप प्रैक्टिस ऑल्सो, एंड यू ऑल्सो हैव अ टोन ऑफ द पैसेज कि कैसे पैसेज के टोन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। बिल्कुल, टोन ऑफ द पैसेज भी होगा, एमसीक्यू भी होंगे, एमसीक्यू से शुरुआत की जाएगी। लेकिन उससे पहले मोटिवेशनल कोट की संख्या कुछ कम हुई है बीते दिनों में, और ठाकुर साहब जी का मोटिवेशनल कोट आज चुना गया है। वो ये कहते हैं कि भरोसा रखो अपने आप पर, अपने स्टडी टेबल की लाइट पर, एक दिन ये स्टेज लाइट में जरूर बदलेगी। बहुत ही बेहतरीन, शायद ये दिल से निकला हुआ मोटिवेशनल कोट है, बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल कोट है ठाकुर साहब जी। लेकिन बहुत कम लाइक मिले हैं इस मोटिवेशनल कोट को, शायद लोग इसे कोरिलेट नहीं कर पाए। आप सभी अपने मोटिवेशनल कोट को सेंड करना, कॉमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजना जारी रखें। सभी लोग, चाहे लैंग्वेज हिंदी हो चाहे लैंग्वेज इंग्लिश हो, मोटिवेशनल कोट को जरूर सेंड करें। आज मैं सभी के मोटिवेशनल कोट चेक करूंगा और देखते हैं अगली बार किसका मोटिवेशनल कोट यहां पर चुना जाता है। बहुत ही बेहतरीन। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनालिसिस पर, तो स्क्रीन को प्लीज फुल जूम कर दिया जाए। और यहां पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले, जो कि एंट्रिक्स, अगर मैं बात करूं एंट्रिक्स की, तो एक मार्केटिंग आर्म है किसकी, इसरो की। एक बार स्क्रीन की ब्राइटनेस को जरूर देख लीजिएगा ताकि स्क्रीन की ब्राइटनेस ज्यादा ब्लर नजर ना आए। ओके, इसरो के बारे में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और इसरोज नाविक सेट टू बी कमर्शलाइज्ड बाय एंट्रिक्स। अब देखिएगा, यहां पर 3 से 4 चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनने वाली हैं। इसरो के बारे में भी बात होगी, और इसरो के नाविक सिस्टम के बारे में, नेविगेशन सिस्टम के बारे में भी बात होगी, जिसे कॉमर्शलाइज करने की बात की गई है। लेकिन इस आर्टिकल को और डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं कुछ एमसीक्यू आप सभी से पूछना चाहूंगा यहां पर, और इस आर्टिकल के साथ ही साथ ये काफी इंपॉर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करता हूं, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस सेशन का क्वेश्चन है, जिसमें प्रीवियस आर्टिकल पर बेस यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो 21 मिनिस्ट्री के तहत काम करता है, तो यह मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत काम करता है। ये तो एक प्रीवियस आर्टिकल के ऊपर बेस क्वेश्चन हुआ। दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है वो नाविक पर बेस्ड है। अभी आपको 2 से 3% नाविक के ऊपर, इसरो के ऊपर बताने हैं, और उसके बाद हम इस आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें उसके साथ रिवाइज होंगी और बहुत मजा आएगा। आप सभी जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आप जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक यूएस का नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम है। कितने लोग जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं जब एक जगह से दूसरी जगह उन्हें जाना होता है और रास्ता मालूम नहीं होता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे। अब मैंने आपसे पूछा है कि भारत का अपना देसी जीपीएस सिस्टम भी है, और उसका नाम है नाविक। नाविक सेटेलाइट सिस्टम जो है, ठीक है, जिसमें कुल कितने सेटेलाइट शामिल है, जो कि एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थित है। अब ये दोनों क्या होते हैं ये भी मैं समझाऊंगा, लेकिन भारत के देसी जीपीएस सिस्टम जिसका नाम नाविक है, जो कि भारत के मछुआरों को समर्पित है, मछुआरे नाविक नाव की सहायता से ही आगे बढ़ते हैं, तो नाविक जो होता है उसको समर्पित है। पीएम मोदी ने इसका नाम नाविकों को समर्पित किया था। इसमें कुल कितने सेटेलाइट शामिल है, 6, 5, 8 और 7? तो इसका करेक्ट आंसर है 8। टोटल सेटेलाइट कितने हैं, 8। अब देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। अब इसमें आप देखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब देखिएगा, टोटल जो पांच सेटेलाइट हैं वो आपके जो शामिल हैं वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में शामिल हैं। ये जो रेड कलर के आप सेटेलाइट यहां पर देख रहे हैं, ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और इसके अलावा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आप देखें तो यहां पर जो ब्लैक कलर के सैटेलाइट्स हैं, ये आपके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं। अब आप देखें तो इन सभी सैटेलाइट की जद में भारत के आसपास का लगभग 1500 किलोमीटर का इलाका आता है, ठीक है, एरिया आता है, जिसमें भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और दूसरे पड़ोसी मुल्क भी शामिल हैं। यानी कि भारत इस देसी जीपीएस सिस्टम के माध्यम से केवल भारत का ही नहीं, बल्कि अपने पड़ोसी मुल्क और करीब करीब 1500 किलोमीटर के इलाके पर नजर रख सकता है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। देखिए,
अगर मैं बात करूं इन 8 सैटेलाइट की, तो इनका नामकरण कुछ इस तरह से किया गया है, जिसकी फर्स्ट सैटेलाइट की मैं बात करूं तो 1A, 1B, 1C, 1D, इस तरह से सैटेलाइट का नामकरण किया गया है। और अगर हम देखें कि कुल कितने किलोमीटर के इलाके को ये ऑब्जर्व करता है बहुत ही अच्छी तरह, तो भारत के देसी जीपीएस सिस्टम का नाम ये है, मैं अभी इसके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा, जो कि 20 मीटर तक एक्यूरेट है। ओके, और इसका जो प्राइमरी एरिया है वो आप देख सकते हैं कि वो 20 मीटर से कम, यानी कि और नीचे तक एक्यूरेट है, यानी कि आप ऊंचाई से 20 मीटर तक और उससे कम एरिया तक भी बिल्कुल साफ साफ सटीकता से देख सकते हैं। मैं और डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि आगे आर्टिकल में मैंने कुछ एमसीक्यू और रखे हैं, उसके बारे में यहां पर राज खुल जाएगा। अगले एमसीक्यू की बात करता हूं, आपको यहां पर एक क्वेश्चन और बताना है। नाविक इज ऑल्सो नोन एज, नाविक को क्या भी कहा जाता है? ऑप्शन आप सभी का, मुझे फेस टू फेस ले आएगा, केवल मुझे फेस टू फेस ले आएगा टेक्निकल टीम। यहां तक सारी बातें क्लियर रही, बफरिंग की कोई समस्या नहीं हो रही है हमारे हैंड से, तो एक बार टेक्निकल टीम इसको जरूर देख ले, अगर बफरिंग की कोई समस्या है एक बार इस सेशन को रिफ्रेश कर लीजिएगा, सेशन को रिफ्रेश कर लीजिएगा, हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं है अगर किसी को भी यहां पर बफरिंग की समस्या फेस करनी पड़ रही है। ओके, अब यहां पर नाविक को क्या भी कहा जाता है? नाविक को कहा जाता है IRNSS और इसका फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNS का फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये भी एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो ये देखिए कई बार पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा, इसलिए इसको पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है उसकी तरफ। एक और एमसीक्यू है जिसको आपको बताना है, ठीक है। अगले एमसीक्यू में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ये मैंने पूछा है। जीपीएस का नाम आप सभी जानते हैं और इसे आप यूज भी करते हैं, इसके अलावा गैलीलियो भी है, IRNSS भी है और ग्लोनास भी है। मैं ये भी बताऊंगा कि यह कौन सा नेविगेशन सिस्टम किस कंट्री से बिलोंग करता है, यह भी याद रखना है। तो देखिए यहां पर बोला गया है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को, आपको एक पॉइंट याद रखना है, जीपीएस आपका जो है उसे हम कहते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, बोलते हैं ना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो ये ग्लोबली है यानी कि पूरी दुनिया में काम करता है, तो ये किसका है? यूएसए का है। गैलीलियो की बात करें तो यह यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज हैं वो गैलीलियो जीपीएस सिस्टम का काम करते हैं। IRNS की अगर हम लोग बात करते हैं, जिसे हम नाविक के नाम से भी जानते हैं, तो IRNSS में नाम आपको पता ही होगा, आर का मतलब यहां पर रीजनल है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, तो यह ग्लोबल नहीं है बल्कि रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। जबकि ग्लोनास की बात करें तो यह रशिया के द्वारा बनाया गया एक जीपीएस सिस्टम है। तो इस तरह से सारे नाम आपको यहां पर याद रखने, सेशन पसंद आ रहा हो, एमसीक्यू का लेवल पसंद आया तो एक बार यस लिखकर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और लाइक्स की संख्या जल्दी से जल्दी बढ़ाते जाइएगा, आपकी प्रसन्नता हमें केवल लाइक्स के माध्यम से पता चलेगी। जल्दी से लाइक कीजिएगा, 111 लाइक है, अब देखते हैं मैडम कितने लाइक यहां पर बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं इस इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनालिसिस की, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी तक एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। इसरो की बात कर ले तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो कमर्शियल आर्म है जो कि इसरो की सर्विसेज को बेचने का काम करती है, अब इसे एक प्राइवेट संस्था के तौर पर डेवलप करने की तैयारी है, ठीक है। इस ये तैयार है पूरी तरह से कॉमर्शलाइज करने का, मतलब व्यवसायीकरण करने का, इंडियास के भारत के रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे नाविक के नाम से जाना जाता है। नाविक का भी फुल फॉर्म है, मैं आप सभी से जानना चाहूंगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाविक, जिसे IRNSS भी कहा जाता है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम विद एंट्रिक्स। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है एंट्रिक्स क्या है, तो यह इसरो की एक मार्केटिंग आर्म है जो कि इसरो की सर्विसेज बेचने का काम करती है। रिसेंटली फ्लोटिंग टू सेपरेट टेंडर्स टू आइडेंटिफाई इंडस्ट्रीज दैट कैन डेवलप इंडिकेटेड नाविक बेस्ड हार्डवेयर एंड सिस्टम्स। नाविक का फुल फॉर्म मैंने यहां से आप सभी से पूछा है, नाविक का फुल फॉर्म क्या है, और जैसा कि मैंने आप सभी को यहां पर बताया है कि यहां पर दो अलग अलग टेंडर भी निकाले गए हैं, टेंडर्स का मतलब है निविदाएं निकाली गई हैं, और उनमें यह बताया गया है कि ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जो कि नाविक सिस्टम पर बेस्ड हार्डवेयर और सिस्टम वगैरह जो है उसको बना सके, उसको डेवलप कर सके, उसके लिए यहां पर निविदाएं मांगी गई हैं। आगे बढ़ते हैं नाविक की बात करें, जितने लोगों ने आंसर दिया बहुत बढ़िया बात है, यहां पर फुल फॉर्म लिखा हुआ है, नेविगेशन
इन इंडियन कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन का मतलब नक्षत्रों से होता है, जैसे कि सप्तऋषि नक्षत्र मंडल है ना, तो नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टेलेशन ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, इज द इंडियन सिस्टम ऑफ 8 सैटेलाइट। ये हमने एमसीक्यू में देखा कि यह 8 सैटेलाइट का एक इंडियन सिस्टम है, दैट इज एम्ड एट टेलिंग बिजनेस एंड इंडिविजुअल यूजर्स वेयर दे आर और हाउ देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर मूविंग। यानी कि इस सैटेलाइट सिस्टम से, नेविगेशन सिस्टम से हमें क्या पता चलता है, बिजनेस के बारे में पता चलता है और इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तियों के बारे में पता चलता है जो इसका इस्तेमाल करते हैं। बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस में हमें यह पता चलता है कि हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज कहां पर मूव कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम कोई कुरियर भेजते हैं तो हमें उसका पता चल जाता है, कई बार हम फूड ऑर्डर करते हैं उसका भी हमें पता चल जाता है, ओला सर्विस के माध्यम से भी अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो हमें उसका भी यहां पर अंदाजा लग जाता है। थोड़ा सा स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ा दीजिएगा टेक्निकल टीम, थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्लर नजर आता है तो थोड़ा सा स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ा दीजिएगा अगर हो सके तो। ओके, इंडिविजुअल यूजर्स की बात करते हैं तो इंडिविजुअल यूजर हम और आप रास्तों के इस्तेमाल के लिए, सही रास्ते पर जाने के लिए भी जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। इंडिजीनियस पोजिशनिंग और लोकेशन बेस्ड सर्विस वर्क्स जस्ट लाइक द एस्टैब्लिश्ड एंड पॉपुलर यूएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और जीपीएस। जिस तरह से जीपीएस काम करता है उसी तरह से आपका नाविक सिस्टम भी काम करता है, जो कि इंडिजीनियसली बनाया गया है, मतलब पूर्ण रूप से स्वदेशी है और इसे भारत के इसरो ने डेवलप किया है विद इन अ 1500 किलोमीटर रेडियस ओवर द सब कॉन्टिनेंट। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपका जो नाविक सिस्टम है या नाविक नेविगेशन सिस्टम है वह कुल कितने किलोमीटर के एरिया को कवर करता है, तो 1500 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है, याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिड अक्टूबर की बात करें तो इसरो ने अनाउंस किया था, आपको याद होगा एक बहुत ही बड़ी दुनिया की काफी बड़ी एक जो चिप निर्माता कंपनी उसका नाम है क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज के साथ इन्होंने एक करार किया है और उसके तहत उन्होंने अनाउंस किया है अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सेमी कंडक्टर चिप्स दैट हैड डेवलप्ड एंड टेस्टेड नाविक फ्रेंडली chipsets across its users based and that would add Navic to them। यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी जो चिप निर्माता कंपनी है जिसका नाम है Qualcomm, Qualcomm टेक्नोलॉजी अपने यूजर्स के लिए भी Navic को प्रोवाइड कराएगी ताकि Navic सिस्टम का वहां पर टेस्टिंग हो सके और इसे और बेहतरीन तरीके से डेवलप किया जा सके। चिप्स से मुझे याद आ गया है, भारत में सबसे ज्यादा जो सेमी कंडक्टर चिप्स हैं या जो सिलिकॉन चिप्स हैं वो भारत के किस शहर में, किस सिटी में बनाई जाती हैं, टाइप करके बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में, और उस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, टाइप करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड रिलायबल पोजीशन। आखिर नाविक का काम क्या है, देसी जीपीएस सिस्टम या IRNSS का काम क्या है? इसका मेन काम यह है कि हमें जो पोजीशन होती है उसकी सही सही जानकारी मिले, उसके नेविगेशन की, यानी कि हम कहां कब किस रास्ते जा रहे हैं इसके नेविगेशन की सही जानकारी मिले, और टाइम सर्विसेज ओवर इंडिया और भारत के साथ साथ पड़ोसी मुल्क भी हमारे सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। IRNSS के माध्यम से, देसी जीपीएस सिस्टम के माध्यम से हम उसका क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए टेरेस्ट्रियल बात करें, एरियल बात करें, मरीन नेविगेशन की बात करें, तो समुद्र में भी जहाजों के आवागमन के लिए, उनके रास्ते के, उनके नेविगेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, जहाजों के नेविगेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल करेक्ट, बेंगलुरु हियर इज द राइट आंसर। डिजास्टर मैनेजमेंट, किस जगह पर भूकंप आया है, क्या डिजास्टर आया, उसका भी अंदाजा इस जीपीएस सिस्टम से लगाया जा सकता है। जबकि इसके अलावा व्हीकल ट्रैकिंग की बात करें, वाहनों को ट्रैक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी फ्लीट होती हैं उनका मैनेजमेंट भी किया जा सकता है, जैसे कि माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। कई बार होता है कि सैकड़ों ट्रक एक साथ कुछ सामान लेकर निकलते हैं, तो उनको भी वहां पर क्या किया जा सकता है, उनको आइडेंटिफाई या उनको ट्रैक किया जा सकता है। इसके अलावा इंटीग्रेशन विद मोबाइल फोन, जो कि हम सभी जीपीएस के माध्यम से करते ही हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन है जो हमारी लोकेशन मांगती हैं और उन लोकेशन के आधार पर, जैसे कि ओला है, उबर है, दूसरी एप्लीकेशंस भी हैं जो कि जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं, तो उस जीपीएस सिस्टम की जगह हम IRNSS का सिस्टम डाल सकते हैं, जिससे हम मोबाइल फोन्स को भी ट्रैक कर सकते हैं और उनको और बेहतर बना सकते हैं। मैपिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है और जियोडिक डेटा कैप्चर के लिए भी, पृथ्वी का या जो भी सतह है उसकी जो भी लेयर है उसको भी यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये रहा भारत का देसी जीपीएस सिस्टम, इसके बारे में एक बार जरूर हमने आपको बताया। यहां तक सारी बातें क्लियर रही हो तो एक बार यस लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इसरो की बात
करना यहां पर लाजमी है। इसरो की बात के बिना पूरी बात कंप्लीट नहीं होगी। इसरो की बात कर लें तो हमारी स्पेस एजेंसी है, तो बिल्कुल इंडिया की स्पेस एजेंसी अगर इसरो है तो जल्दी से मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएंगे कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। अभी के अभी टाइप कीजिए कॉमेंट बॉक्स में और मैम बताएंगे सबसे पहले आंसर किसने किया है। अगर हम भारत की इसरो की बात करते हैं तो यह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत काम करता है भारत सरकार के और इसका हेडक्वार्टर भारत की सिलिकॉन वैली में है, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपको यह याद रखना है कि हमारे देश में स्पेस रिसर्च की जो एक्टिविटीज हैं वह शुरुआत की गई थी उसकी डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के द्वारा, जिनको भारत में फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी माना जाता है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक है वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई। ओके, साथ ही साथ एक कमेटी का नाम याद रखना है जो कि आपको यहां पर लिखी है। इस कमेटी का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। ओके, इस कमेटी की स्थापना 1962 के आसपास की गई थी और आगे चलकर इसी कमेटी को, इसी समिति को 1969 में इसरो में तब्दील कर दिया गया। और इसरो की स्थापना की अगर तारीख पूछता है तो याद रखिएगा भारत का स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 1969 इसरो की स्थापना होती है और इस समय जो चेयरमैन है इसके वो है मिस्टर के सिवान साहब। मिस्टर के सिवान साहब इसके इस समय बिल्कुल जितने भी लोग यहां पर सुपार को आंसर कर रहे हैं, जी हाँ सुपार को आंसर कर रहे हैं वो करेक्ट है। इसके अलावा अगर कोई आंसर आ रहा है तो भैया वो गलत है। नासा करेक्ट और सबसे पहला आंसर वेनम जी ने दिया है। वेनम जी आपने सबसे पहला आंसर दिया है। मैडम ने आपको देखा, बहुत बहुत आपने बहुत बेहतरीन यहां पर आंसर दिया है, बहुत बेहतरीन। जितने भी लोग नासा आंसर कर रहे हैं उनको थोड़ा सा नॉलेज को चेक करने की जरूरत है। अगर नासा यहां पर है तो फिर यूएसए की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है भैया। चलो, करंट चेयरमैन तो है के सिवान साहब। मैं आपसे एक और क्वेश्चन यहां पर पूछना चाहूंगा, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो कौन है? जल्दी से टाइप करके कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो, जिन्होंने लगभग 1973 तक इसरो का कार्यभार संभाला था। टाइप करके नाम बताएंगे। तो ये आर्टिकल यहां पर फिनिश होता है और अगला आर्टिकल आप सभी के सामने ये रहा। इंडियन आर्मी, नाम आते ही सैल्यूट करने का मन करता है। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में से एक है, अपने पराक्रम और अपने साहस के लिए जानी जाती है। आर्मी टू हैव फर्स्ट धनुष रेजिमेंट बाई मार्च 2020। भारतीय सेना की जो शक्ति है और बढ़ने वाली है क्योंकि भारतीय सेना की रेजिमेंट में धनुष रेजिमेंट शामिल होने वाली है मार्च 2020 तक। और यहां पर लिखा है इंटायर ऑर्डर फॉर 114 गन्स विल बी कंप्लीटेड बाई 2022। आर्मी ने बोला है कि 2022 तक कंप्लीट 114 गन्स की धनुष रेजिमेंट यहां पर बनकर तैयार हो जाएगी और डिटेल एनालिसिस यहां पर करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन पूछना तो बनता है और क्वेश्चन यहां पर यह है कि बोफोर्स का नाम जरा फेस टू फेस लाइएगा, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। बोफोर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, इसका नाम बोफोर्स एबी है, ये एक आर्म्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है और यह किस कंट्री से बिलोंग करती है? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। इसके अलावा भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक इमेज मैंने यहां पर लगाई है क्योंकि ये वही प्रधानमंत्री थे जिनकी 3 साल के बाद सरकार गिर गई थी और सरकार गिरने का एक ही कारण था, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री की सरकार गिरी और उसका एक कारण था बोफोर्स घोटाला। आपने सुना होगा 1987 में बोफोर्स घोटाला, इसकी गूंज कई बार भारत की संसद में बार बार राजनीतिक पार्टियों के द्वारा सुनाई देती है। करीब 64 करोड़ का ये करप्शन का मामला था। तो बोफोर्स की बात मैं यहां पर क्यों कर रहा हूं, आर्टिकल डिस्कशन के दौरान आपको पता चल जाएगा। बस आपको यह बताना है कि बोफोर्स कंपनी जिससे हमने अपनी तोपे वगैरह खरीदी थी और 64 करोड़ के करप्शन के केस में कांग्रेस पार्टी की सरकार भी गिरी थी, 1987 का स्कैम हुआ था, ये किस कंट्री से बिलोंग करती है कंपनी? तो याद रखिएगा स्वीडन से बिलोंग करती है। अब मैंने यहां पर एक क्वेश्चन क्यों पूछा है वो आपको आर्टिकल डिस्कशन के दौरान पता चल जाएगा। देखिएगा आर्टिकल में क्या लिखा है, द आर्मी विच बिगन इंडक्टिंग द इंडिजीनियसली, मतलब स्वदेशी रूप से विकसित अपग्रेडेड। अब देखिएगा स्वदेशी रूप से हमने इसे अपग्रेड किया है यानी कि इस मिसाइल इस गन्स को, या यू कहें कि आर्टिलरी कह लीजिए, तोप कह लीजिए, इसको हमने खुद ही डेवलप किया है, इसको हम धनुष आर्टिलरी गन्स कहते हैं, ठीक है। विल हैव द फर्स्ट रेजिमेंट इन प्लेस बाय द मार्च 2020, यानी कि धनुष आर्टिलरी गन्स की पहली रेजिमेंट भारतीय सेना को मार्च 2020 तक मिल जाएगी। और टोटल कितनी गन्स शामिल की जाएंगी 2020 तक, 114 गन्स शामिल की जाएंगी 2020 तक। आर्टिकल एक बार देख लीजिएगा ब्राइटनेस को, जरा टेक्निकल टीम, धनुष की बात करते हैं, क्या है इंडिजिनियसली स्वदेशी रूप से अपग्रेड किया गया वेरिएंट है ऑफ द स्वीडिश बोफोर्स गन,
इंपोर्टेड इन 1980s. अभी मैंने आपको आर्टिकल से पहले जो एमसीक्यू बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि 1980 के दशक में जो स्कैम हुआ था, ठीक है, बैकग्राउंड का जो ब्राइटनेस है, जैसे कि अभी ब्लर सा दिख रहा है व्हाइट का, उसे बेटर कर दीजिए, ठीक है. चलिए, तो ये तो मैंने आपको यहां पर बता ही दिया कि स्वीडिश बोफोर्स गन है, 1980 के दशक में इन्हें इंपोर्ट किया गया था स्वीडन से, ठीक है, ये पॉइंट आपको यहां पर क्लियर है. फर्स्ट रेजिमेंट ऑफ 18 गन्स, 18 गन्स की जो रेजिमेंट है यह मार्च 2020 तक पहुंच जाएगी. इसके अलावा 36 गन्स की जो रेजिमेंट है इसे 2021 तक भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा और 40 गन्स की जो रेजिमेंट है उसे 2022 तक शामिल कर लिया जाएगा. एंटायर जो ऑर्डर है वो 114 गन्स का है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, 2022 तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा. अप्रैल महीने की बात करें, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हैड हैंडेड ओवर द फर्स्ट बैच ऑफ 6 धनुष गन, 6 धनुष गन्स को हैंडओवर कर दिया गया है भारतीय सेना को, जो बात मैंने आपको यहां पर बताई. तो आपको एक पॉइंट यहां पर याद रखना है कि जो धनुष आर्टिलरी गन्स हैं वह स्वीडिश बोफोर्स जो तोपे रही हैं उन्हीं का अपग्रेडेड वर्जन है. किसका अपग्रेडेड वर्जन है? स्वीडिश बोफोर्स गन्स का अपग्रेडेड वर्जन है. यह पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है. द गन कैरियर्स फैक्ट्री जबलपुर रिसीव द बल्क प्रोडक्शन क्लियरेंस फ्रॉम दी आर्मी ऑन दी February 18, 2019. 18 फरवरी 2019 को बल्क प्रोडक्शन की बात हुई थी. गन कैरियर्स फैक्ट्री कहां पर है? जबलपुर में है और अब बड़े पैमाने पर इन गन्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा. एक बार तालियां बनती है भारतीय सेना के लिए कि भारतीय सेना की शक्ति और बढ़ने वाली है. अब मैं आपको यहां पर दो इमेजेस दिखा रहा हूं. ये बोफोर्स गन्स हैं जो कि हमने स्वीडन से इंपोर्ट की थी 1980 के दशक में. घोटाला भी हुआ था और इन गन्स के बारे में कहा गया था कि जब इन गन्स को चलाया जाएगा तो ये दुश्मन पर प्रहार करने की वजह खुद वहीं पर फट जाएंगी. इस तरह के भी अफवाहें उस समय चली थी. लेकिन आपको याद होगा 1999 कारगिल वॉर के दौरान, 1999 की कारगिल जंग के दौरान बोफोर्स की तोपों ने कमाल का प्रदर्शन किया और पाकिस्तानियों को वहां से खदेड़ने में सबसे बड़ी जो भूमिका रही वो बोफोर्स तोपों की भी रही थी. आप सभी ने बॉर्डर मूवी देखी ही होगी और ये है उनका अपग्रेडेड वर्जन जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, इसे अपग्रेड किया गया है. अब आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आर्टिकल डिस्कशन यहां पर शुरुआत करते हैं. अब हम बात करेंगे एडिटोरियल की. अभी तक जो इंपॉर्टेंट दो आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो प्रीवियस यानी कि कल के द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए थे और ये है आपका आज का एडिटोरियल सेशन. तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनालिसिस के साथ. चलिए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट आर्टिकल की तरफ और आज का जो फर्स्ट आर्टिकल है इट इज अबाउट स्ट्रिंग ऑफ डेथ्स. अब ये जो मजा बन गई सजा वाला केस है वो यहां पे लागू होता है. आपको बता देती है कि ये स्ट्रिंग ऑफ डेथ है क्या. स्ट्रिंग ऑफ डेथ ये मांझे के लिए कहा जा रहा है जो काइट को उड़ाते वक्त हम लोग इस्तेमाल करते हैं. There are laws preventing the use of synthetic kite strings, but enforcement is lacking. कहा जा रहा है कि laws जो हैं, वो जो synthetic kite string आप उड़ा रहे हो, उसके enforcement के लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हम उसको implement नहीं कर रहे हैं. ये आर्टिकल एक नहीं वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां आपको यह भी बताया जाएगा कि इंडिया में पहले कौन सा मांझा बनता था विच वॉज यूज बाई कॉटन. इसके बाद जब हमने चाइना से इसको इंपोर्ट करना स्टार्ट किया तो वो सिंथेटिक है और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इन मांझों पर जो एक्चुअली एक परत चढ़ाई जाती है वो परत आपकी जो चढ़ती है वो बनती है आप लोगों के ग्लास की. सोचिए मतलब किसी का भी गला रेत सकता है अगर वो स्ट्रिंग आपके एक बार गले के पास से चला जाए. तो ये पूरा आर्टिकल उसी के ऊपर डिस्कस है. चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट क्या करना है मैडम, आर्टिकल ऑफ द डे यही है कि चाइनीज मांझे के माध्यम से अगर मैं बात करूं जो डेथ हो रही है और एक लेटेस्ट केस भी निकल कर आया, इस पर आर्टिकल डिस्कशन होगा. डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस आर्टिकल के. तो बिल्कुल यहां पर अब ब्राइटनेस थोड़ा सा बेहतर नजर आ रही है. टेक्निकल टीम का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद. इस आर्टिकल को हम लोग करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आर्टिकल डिस्कशन के दौरान तो परेशान मत होइएगा, आर्टिकल ऑफ द डे यहां पर रहेगा. इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं मैडम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर क्या है. The next article is a rights-based framework to theorize poverty. हम सब जानते हैं इस वक्त poverty का condition क्या है हमारी country में. कहा जा रहा है debates on deprivation. Deprivation का मतलब होता है उनको किसी चीज से वंचित रखना. Need to be grounded in the language of equality, opportunity and justice. Let's see. अब बिल्कुल हम लोग को सामने ही ले आइएगा टेक्निकल टीम अगर हो सके तो. तो इस आर्टिकल की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसा कि हमारे देश में अधिकारों की बात हमेशा से की गई, बिल्कुल सामने ही रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद. इक्वालिटी की बात की जाती है, अपॉर्चुनिटीज की बात कहते हैं, न्याय जस्टिस की बात कहती है, कहीं ना कहीं भारत के न्याय सिस्टम से पर बेस्ड है ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल. तो इस आर्टिकल की अगर हम लोग बात करें तो कुछ मुद्दों को लेकर यह आर्टिकल लिखा गया, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें समझ में आए या आपकी कुछ जागरूकता यहां पर बढ़ पाए, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा ये आर्टिकल. चलिए आगे बात करते हैं अगले आर्टिकल की. अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज क्लियरिंग द एयर. हम सारे लोगों को कहेंगे इस आर्टिकल को रीड जरूर करिएगा. दिस आर्टिकल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट.
टैकलिंग दिल्लीज पॉल्यूशन नीड्स नीड टफ अनपॉपुलर मेजर्स वेल अहेड ऑफ विंटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको याद है कि लास्ट ईयर बहुत सारे इमेजेस वायरल हुए थे दिल्ली को लेकर, जहां पे सुबह में शाम में कहा जा रहा था कि यहाँ फॉग दिख ही नहीं रहा है, जब भी दिख रहा है वो स्मॉग दिख रहा है, राइट। पॉल्यूशन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि इस समय दिल्ली में पॉल्यूशन पे चेक लगाना अनिवार्य होता चला जा रहा है। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और जितना हो सके उस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप 650 पहुंच चुके लेकिन लाइक अभी भी 260 है, चलिए जल्दी से इसे बढ़ा देते हैं। एक पॉइंट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अगर हम बात करें वायु की गुणवत्ता की, तो जो उसमें AQI लेवल होता है उसमें कहा जाता है कि 0 से 50 के बीच में होना चाहिए आपका AQI लेवल, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। में जो PM यानी कि पार्टिकुलेट मैटर होता है, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होते हैं, पोल्यूशन होता है जो कि सांस के साथ हम लोग इंटेक कर लेते हैं, तो कहा गया है कि वो 50 इंडेक्स से ऊपर नहीं जाना चाहिए। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली की कुछ जगह पर ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स उसे 500 भी रिकॉर्ड किया गया है और कुछ जगह पर 700 भी रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि 10% से लेकर 14% तक ज्यादा है। WHO के अनुसार तो 0 से 50 के बीच में है, लेकिन भारत सरकार इसे 60% किलोमीटर तक लेकर चलती है इंडिया में। लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखें कि अगर इसको हम कंपेयर करते हैं 700 से, तो यह बहुत ज्यादा है, यानी कि 14 गुना से भी ज्यादा है, 10 से लेकर 14 गुना तक पोल्यूशन ज्यादा है। उसके लिए भारत दिल्ली सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं, और जैसे कि ऑड इवन फॉर्मूला वहां पर लागू किया जाए, इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं। तो अभी भी एयर उतनी क्लियर होती दिखती नहीं है, आने आने वाले समय में दिल्ली के लोग और ज्यादा सफर कर सकते हैं, गैस चैम्बर बन चुकी है दिल्ली। इस पर कई आर्टिकल पहले भी डिस्कस हो चुके हैं और ये आर्टिकल भी यहां पर आया हुआ है, नजर बनाए रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, द नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्यूजिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन विद द मॉडर्न। अब कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ पे कुछ नए लेटेस्ट रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजीज को लाया जा रहा है एक रिलेशनशिप बनाने के लिए बिटवीन द ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड द फ्यूजन मेडिसिन। अब फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जब आप दो चीजों के बीच में क्या कहते हैं एमलगमेशन कर देते हैं, उन्हें मिक्स कर देते हैं, दैट इज फ्यूजन। नाउ टेकिंग क्यूज फ्रॉम द चाइनीज एक्सपीरियंस, ये जो है यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है ये एक्चुअली जो आप पे बेस्ड है वो चाइनीज एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। इंडिया कैन इंटीग्रेट द एजुकेशन रिसर्च एंड प्रैक्टिस ऑफ बोथ द सिस्टम्स। देख लेते हैं आर्टिकल किस बारे में। अब बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें भारत के मेडिकल सिस्टम की बात करें, तो इसे आयुर्वेदा है और योगा वगैरह है, इसके अलावा यूनानी सिस्टम भी इंडिया में वर्क करता है जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन ट्रीटमेंट रहा है। इसके अलावा चाइनीज एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो उसको भी यहाँ पर यूज किया गया है, इसको यहाँ पर एजुकेशन पर भी बात किया गया है, रिसर्च करने पर भी बात किया गया है, प्रैक्टिस करने पर भी यूज किया गया है। भारत और चाइना के जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उन्हें किस तरह से मॉडर्नाइज किया जाए, ये आर्टिकल उसी पर आधारित है, आप चाहें तो एक बार इसे रीड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज एनहांसिंग इंश्योरेंस कवरेज फॉर बैंक डिपॉजिट्स। बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल है ये आप लोगों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कीपिंग को लेकर दिया गया है, देख लेते हैं। डिनाइंग पीपल द राइट ओवर देयर हैंड अर्न्ड मनी इज अ कोलोसल हजार्ड फॉर द फाइनेंशियल सिस्टम। कहा जा रहा है हम लोगों को वो राइट नहीं दे रहे जो उन्हीं के पैसे के लिए है। ये आर्टिकल भी कुछ हद तक आपकी जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी। अगर देखिए इस आर्टिकल की बात करें तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि PMC बैंक जो कि महाराष्ट्र में, और इसका फुल फॉर्म है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। जैसे कि हमने देखा कि शुरुआती दौर में यहां पर 1,000 रुपए से ज्यादा ना निकालने की एक लिमिट लगा दी थी, धीरे धीरे उस लिमिट को बढ़ाया भी गया। हाँ। तो यह भी कहा गया है कि जो बैंक में डिपॉजिट है उसमें धीरे धीरे जो भरोसा है भारतीय कस्टमर्स का वो गिरता हुआ चला जा रहा है। एक और संस्था की बात की गई, इसका नाम है DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। यह RBI की सब्सिडरीज में से एक सब्सिडरी है, और अगर मैं DICGC की बात करता हूं तो DICGC इसी बात को इंश्योर करता है कि हर बैंक में एक कस्टमर का मैक्सिमम एक अकाउंट ही मैक्सिमम 1,00,000 रुपए तक ही इंश्योर्ड रहता है, यानी कि 1,00,000 रुपए तक की डिपॉजिट ही उसकी बीमा में इंश्योर है। अगर बैंक डूबता है या कुछ होता है, बैंक में बंदी हो जाती है, तो उसे 1,00,000 का इंश्योरेंस मिलेगा। अगर उससे ऊपर का अमाउंट है उस पर उससे कुछ भी बीमा नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं भारत के बैंकिंग सिस्टम में, एक के बाद एक पहले घोटाले सामने आए और अब इस तरह के बैंक फेलियर सामने आ रहे हैं, तो उसको लेकर चिंता जाहिर की गई है कि भारत के लोग जो बड़ी कड़ी मेहनत से पैसा यहां पर अर्न करते हैं, बैंकों में रखते हैं, और बैंक जब डूबते हैं या उन पर विड्रॉ की लिमिट लगा दी जाती है तो क्या दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि RCEP पर बेस्ड है, मैम से जानेंगे और फिर मैं बताऊंगा इसमें क्या बातें की गई। रिफ्यूजिंग टू बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट
एक फ्रेज भी है, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि इस फ्रेज का मीनिंग क्या होता है। कहा जा रहा है रिफ्यूजिंग टू बाइट द बुलेट, मेरे कमेंट सेक्शन फट से एक्टिव हो जाएगा। ज्वाइनिंग RCEP वुड हैव हेल्प्ड इंडिया इंटीग्रेट विद एशियन ट्रेड रीजनलिज्म। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर RCEP को ज्वाइन कर लिया गया होता, विच इज योर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसके ज्वाइन करने की वजह से शायद इन एशियन ट्रेड रीजनलिज्म और इंडिया में इंटीग्रेशन देखा जा सकता था। लेट्स सी द आर्टिकल। देखिए इस आर्टिकल की बात करें, आप सभी को पता है कि मोदी थाईलैंड की यात्रा पर थे और हाँ। वहां पर बैंकॉक में जो समिट हुई थी लीडर्स की, वहां पर RCEP पर एग्रीमेंट होने वाला था। RCEP का फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें टोटल 16 मेंबर कंट्रीज हैं जो कि मोस्टली ईस्टर्न कंट्रीज हैं, और इन सभी कंट्रीज के बीच में क्या होने वाला था, एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप होने वाली थी, जिसमें इसमें कहा गया था कि इन 16 देशों के बीच में एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, जिससे इन 16 देशों के बीच में जो भी आयात और निर्यात होगा वस्तुओं और सेवाओं का, उस पर किसी भी तरह का टैक्सेस और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। और ऐसा कहा जा रहा था अगर यह एग्रीमेंट साइन हो जाता तो यह दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता और इससे इन सभी देशों की GDP को भी फायदा होता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एग्रीमेंट पर साइन करने से, RCEP में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के जो सिद्धांत रहे हैं और मेरा जो मनोविज्ञान है, जो मेरा ज्ञान है, वो मुझे इस एग्रीमेंट में शामिल होने की इजाजत नहीं देता। भारतीय किसानों के हित में था ये एग्रीमेंट, भारतीय इकोनॉमी के हित में था ये एग्रीमेंट, उन्होंने इसके बारे में इनकार किया है वहां पर। इसी को लेकर पूरा आर्टिकल यहां पर लिखा गया है। दूसरी चीज, बाइट द बुलेट का आंसर आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं मैम टू डू अ डिफिकल्ट टास्क, यस वही आंसर है। और जो लोग कह रहे हैं कि बुलेट खा लेना, वो उसका आंसर नहीं होगा। नहीं, बुलेट खाओ नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो आज का कार्टून सेक्शन, महाराष्ट्र में कौन वहां पर चीफ मिनिस्टर बनेगा, जो गठबंधन है BJP है, शिवसेना है, और बीच बीच में कांग्रेस और NCP पार्टी भी दावा आजमा रही है। तो आप देख सकते हैं शिवसेना को यहां पर दर्शाया गया है कि कैसे वो मछली की आंख पर निशाना लगाएं, और मछली की आंख पर निशाना लगाने के लिए उन्हें पानी में देखना पड़ रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं अमित शाह हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब हैं, NCP शरद पवार और सोनिया गांधी भी यहां पर खड़ी हुई है। मैं अभी फेसबुक में क्रॉल कर रहा था तो वहां पर लिखा भी हुआ था कि जब तक कोई नया चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र को नहीं मिल जाता, तब तक क्यों ना अनिल कपूर साहब को एक दिन का चीफ मिनिस्टर बना के देख लेते। तो इस तरह के मीम वगैरह भी आपके चल रहे हैं। तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के ऊपर लेकर ये आपका कार्टून सेक्शन रहा। और अनसेफ ऑनलाइन, अनसेफ ऑनलाइन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। आज की PDF में डेटा पॉइंट आपको मिल जाएगा, एक बार इसको देख जरूर लीजिएगा। यहां पर लिखा है इंडिया रिकॉर्डेड 21,796 साइबर क्राइम इन 2017, और 2016 के मुकाबले ऑनलाइन जो जालसाजी होती है, ऑनलाइन जो ठगी होती है, उनके केसेस में 77% की बढ़ोतरी यहां पर देखी गई है। यानी कि ऑनलाइन अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो काफी अनसेफ हो गया है, मामलों में 77% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ ATM फ्रॉड्स की बात करें तो आप देखिए सबसे ज्यादा ATM फ्रॉड होते हैं इंडिया में 2017 की बात की जाए। इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड सेकेंड नंबर पर है, यानी कि भारत का बैंकिंग सिस्टम सबसे ज्यादा अनसेफ है, जो बात यहां पर की गई है। इसके अलावा साइबर बुलिंग, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं ऑनलाइन, उसके साथ OTP फ्रॉड भी होता है। कई बार भाई आप फोन आता है कि आपके साथ एक OTP आएगा, सर वो हमें बता दीजिएगा। OTP जैसे हम लोग बताते हैं वो फ्रॉड कॉल आता है और आपके अकाउंट से इतने रुपए गायब हो जाते हैं। और इसके अलावा साइबर ब्लैकमेलिंग भी चलती है कि अगर आपने ये नहीं किया, अगर आपने वो नहीं किया, तो हम आपके ये वीडियोज, आपके ये स्पीचेस हम ऑनलाइन कर देंगे, नेट पर डाल देंगे। इस तरह के फ्रॉड केसेस भी बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और एक पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है, उत्तर प्रदेश रिकॉर्डेड दी हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम्स इन 2017। याद रखिएगा, नंबर ऑफ क्राइम्स के मामले में टॉप 3 स्टेट आप सभी के सामने है, स्टेट विद मोस्ट क्राइम, स्टेट विद हाई क्राइम रेट। रेट की बात करते हैं तो यहां पर परसेंटेज की बात होगी, और अगर हम लोग मामलों की बात करते हैं तो नंबर्स में बात होगी, दर्ज हुए मामले हैं। बिल्कुल सही कहा। तो नंबर ऑफ केसेस की बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक टॉप 3 में है। परसेंटेज रेट की बात करें कितना बढ़ गया है, है ना, तो कर्नाटका नंबर 1 पर है, असम नंबर 2 पर है, तेलंगाना नंबर 3 पर है। एक बार इस डेटा पॉइंट को जरूर देख लीजिएगा, कब कब कितने मामले दर्ज हुए हैं, 13-14, लेकिन 2016 में गिरावट इसमें काफी दर्ज की गई, लेकिन फिर से 2017 में मामलों में बढ़ोतरी यहां पर देखी जा रही है। तो थोड़ा सा यहां पर सेफ रहने की जरूरत है आप सभी को भी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के वोकैबुलरी सेक्शन को, जो कि आज के आर्टिकल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। मैम का बहुत ही बेहतरीन ये सेशन रहने वाला है, तो प्लीज मैम का यहां पर मैं बुलाऊंगा कि बस मैम इसे कंटिन्यू करें। बच्चे बहुत समय से आपकी वोकैबुलरी एनालिसिस का वेट कर रहे थे, सेशन पसंद आए तो।
सेशन पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, इट मीन्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ अस। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं। वैसे आप लोगों की आधी शिकायत तो दूर हो चुकी है क्योंकि आज आपके फेवरेट जीएम मेंटर हमारे साथ है, लेकिन आज के वोकैबुलरी सेशन में बहुत सारे वर्ड्स है, तो भैया थोड़ा देखिएगा ध्यान से, कुछ नए वर्ड्स भी जुड़े हैं जिनको जानना आपके लिए जरूरी है, और जो भी आपके फ्रेंड्स कहीं भी और हैं प्लीज उन्हें जल्दी से बुलाइए, सेशन को लाइक और शेयर करिए। आप 650 पहुंच चुके हैं, चलिए देखा जाए कि लाइक 650 पहुंचता है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज पेरिलस। मेरा कमेंट सेक्शन आज पूरा एक्टिव रहेगा क्योंकि अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग आप नहीं समझ पा रहे, कोशिश करना उस वर्ड का आप हमें एक स्टेटमेंट बना के दे दो, आई विल हेल्प यू। चलो, पेरिलस का मतलब होता है जोखिम भरा, इसका मतलब होता है समथिंग विच इज फुल ऑफ डेंजर और रिस्क और हजार्डस। याद रखिएगा, कोई भी ऐसी चीज विच इज फुल ऑफ डेंजर और हजार्डस उसे हम पेरिलस कहते हैं। जैसे While crossing the road, the turn I took was very perilous. कई बार आप लोग सड़क जब क्रॉस करते हैं तो एक ऐसा टर्न आता है, लेकिन कई बार बहुत स्टीप टर्न्स आते हैं, वैसे टर्न्स कैसे हो जाते हैं? पेरिलस हो जाते हैं, यानी कि हैजार्डस हो जाते हैं। सिंपल सा सेंटेंस लिखा है, ध्यान से देखना। Our current economy is in a perilous state. क्या ये कहने की जरूरत है? हम सब जानते हैं कि हमारा रिसेंट जो इकोनॉमिक कंडीशन चल रहा है पूरे नेशन का, जो स्लो डाउन देखा जा रहा है, इट इज इन अ डेंजरस स्टेट, क्योंकि सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, चाहे आपकी इकोनॉमी हो, चाहे आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे आप लोगों के कंज्यूमर ओरिएंटेड सेक्टर्स हो, या फिर आप लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो। आई होप ये क्वेश्चन सभी को बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है व्यापक, जो आप हर जगह देख सकते हैं। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते चलिए। चलो, prevalent, present और noticeable in every part। याद रखिएगा, कोई भी अगर चीज prevalent है, जो आपको हर जगह दिख जाए, जो आपको हर जगह notice हो जाए, उसे हम pervasive कहते हैं। इसका मतलब सर्वव्यापक, ठीक है, हर चीज जो फैली हो। एक बार आप लोग हमें इसका synonym लिखकर जरूर comment section में बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं, जो नेक्स्ट वर्ड है, दैट इज द परवेसिव स्मेल ऑफ पेट्रोल मेड एवरीवन एंग्शियस। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है, और कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें पेट्रोल की स्मेल पसंद नहीं है? हमने स्टेटमेंट बनाया है कि क्योंकि रूम में इतना ज्यादा पेट्रोल का स्मेल था कि लोग एंग्शियस हो गए, लोग घबराने लगे कहीं ऐसा ना हो आग लग जाए। लेकिन आप जरूर हमें लिख के बताइएगा कि आप इसे कितने लोगों को इसकी स्मेल पसंद है और कितने लोग इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। हमें पर्सनली आई लव द स्मेल ऑफ पेट्रोल। चलो आगे देखते हैं, मॉकरी। मॉकरी का मतलब क्या होता है? आई मॉक्ड हिम। आई मॉक्ड हिम का मतलब होता है हमने उसका उपहास किया, मजाक उड़ाना। याद रखिएगा, जब आप किसी को बुरे तरीके से टीज या रिडिक्यूल कर रहे होते हो, ठीक है, किसी को बुरे तरीके से हर्ट करने के लिए किसी का मजाक उड़ाते, उसे मॉकरी कहते हैं। मजाक उड़ाना मॉकरी हमेशा नहीं होता, मजाक विद एन इंटेंशन ऑफ हर्टिंग, याद रखिएगा, मजाक विद एन इंटेंशन ऑफ हर्टिंग इज कॉल्ड मॉकरी। यस, ओमनी प्रेजेंट कहा जा सकता है, यूबीक्विटस भी कहा जा सकता है, यूबीक्विटस भी एक्चुअली परवेसिव का सिनोनिम हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां लिखा है द ट्रायल वॉज अ मॉकरी, द जज हैड डिसाइडेड द वर्डिक्ट बिफोर इट बिगैन। मतलब ये जो ट्रायल था, इट वॉज नॉट अ टीजिंग। यहाँ पे जो ट्रायल है ये कहा जा रहा है इट वॉज यूजलेस, ये यूजलेस ट्रायल था क्योंकि जो जज है उन्होंने वर्डिक्ट को पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उनको क्या करना है, किसको क्या सजा देनी है, क्या सजा नहीं देनी है। आई होप ये पार्ट आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है, क्रिस्टल क्लियर है, एक बार लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए कि भैया क्लियर है। चलो, मेनेस। मेनेस का मतलब होता है संकट, डेंजर, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका पेरिलस वर्ड का ही सिनोनिम बन सकता है। इसका मीनिंग होगा समथिंग विच इज डेंजर, पेरिल, रिस्क या फिर हजार्ड, जस्ट सिमिलर टू पेरिलस। मेनेस, पेरिलस, आप दोनों एक साथ याद कर सकते हो। अब देखो यहां क्या लिखा है, बैनिंग ई सिगरेट्स इज एम्ड एट बीटिंग द मेनेस ऑफ ड्रग्स। हम सब जानते हैं कुछ ही समय पहले ई सिगरेट्स को बैन किया गया था, और कहा जा रहा है इसको इसलिए बैन किया गया ताकि ये आपके हजार्ड, रिस्क ऑफ ड्रग्स को कुछ हद तक रिड्यूस कर पाए। अगर आप सभी लोगों को सेशन पसंद आ रहा है, यस, मोस्ट ऑफ पीपल लाइक द स्मेल ऑफ बुक्स ऑल्सो, यस दैट इज करेक्ट। सेशन अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स में, एटलीस्ट 10 फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, दैट विल बी ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज डैंगलिंग। ये टर्म कहां से आया बता देते, ये जो अभी ये मांझा वाला आज जो सर अभी आपके साथ पढ़ेंगे, पढ़िएगा, इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट है उस आर्टिकल ऑफ द डे में कि आपको समझ में आएगा। वैसे उसी से एक वर्ड जुड़ा था विच इज डैंगलिंग। डैंगलिंग का मतलब होता है लूजली झूलना, ठीक है। देखो,
हैंगिंग और स्विंगिंग लूजली, इसका मीनिंग निकल कर आएगा आपका लूज इलेक्ट्रिक वायर्स आर डैंगलिंग फ्रॉम द वॉल। याद रखिएगा हमने डैंगलिंग वर्ड को यहाँ पे लूज वायर्स के साथ रखा था। आपको पता होगा कान के झुमकों को भी डैंगलर्स कहते हैं, है ना। अगर किसी ने खरीदा होगा अपनी सिस्टर के लिए या अपनी मदर के लिए तो उन्हें पता है कि डैंगलर्स बोला जाता है झुमकों को। क्यों कहते हैं? क्योंकि दे आर लूज, दे आर स्विंगिंग लूजली फ्रॉम अ पॉइंट, राइट। सो दैट इज योर डैंगलिंग। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सबको बिल्कुल क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया है एक बार जल्दी से यस लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज टायर्स। देखो ट्रायस्ट एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है अ सीक्रेट मीटिंग। लेकिन ये सीक्रेट मीटिंग किनके बीच में होती है? इट इज जनरली अ पीपल या टू पीपल हु आर शेयरिंग अ रोमांटिक रिलेशनशिप। बेसिकली अगर हम आपको स्पष्ट शब्दों में आसान से तरीके से समझाएं तो इसका मतलब होता है लवर्स के बीच में जो सीक्रेटली मीटिंग होती है उसे हम आपका ट्रायस्ट कहते हैं। हमने सिंपल सी चीज लिखी है वर्किंग कपल्स फाइंड इट हार्ड टू इंडल्ज इन ट्रायस्ट। वर्किंग जितने भी कपल्स हैं, अब अगर कोई बाहर रह रहा है या कोई अलग अलग स्टेट में रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं तो अक्सर उन लोगों को इतना समय नहीं मिलता टू स्पेंड अ रोमांटिक यू नो मीटिंग। सो दैट इज योर ट्रायस्ट। आई होप ये क्वेश्चन भी सभी को बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज स्काउच। नाउ द स्काउच वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मीनिंग होता है कोड़े बरसाना। आप सभी को पता होगा कि हम लोग जब कोड़े या व्हिप करते हैं, है ना, हॉर्स को व्हिप किया जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्काउच। इसका मतलब होता है व्हिप यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पनिशमेंट, अ बेन और कर्स। किसी को आप अगर किसी तरीके का कर्स कर रहे हैं तो भी टायस्ट वर्ड का सॉरी स्काउच वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे किसी को श्राप देना, बेन, ठीक है, श्राप देने को भी ये कहा जा सकता है। वैसे ये मारना यानी कि फिजिकल पनिशमेंट से जुड़ा है, बट आप इसको कैसे याद रखोगे वो देखो। हमने ऐसा लाइन लिखा है कि आप कभी ना जीवन में भूलोगे। ध्यान से देखिए, द कंट्री हैज बीन स्काउच्ड By famine in recent years. Recently, हाँ बिल्कुल अनुराग जी, अ मूनलाइट ट्रायस्ट बोल सकते हैं। Yes, it is mostly because of a lover meeting, ना, हाँ तो बोला जा सकता है। चलो, the country has been scourged by famine in recent years. मतलब country पे एक curse देखा जा रहा है, जैसे लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है। Recently बहुत ज्यादा famine के cases हम observe कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला word जो है that is ratcheting. Now, ratcheting का मतलब होता है आप लोगों का शाफ्ट। ये एक तरीके का शाफ्ट होता है जो या तो चीजों को बढ़ाने के काम आता है या गिराने के काम आता है। मतलब इट कॉजेज समथिंग टू राइज और फॉल। मोस्टली जो शाफ्ट का काम होता है रैचेट का, वो राइज करने का होता है, मतलब बढ़ाने का, ऊपर की तरफ ले जाने का। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो हमने देखो क्या लिखा है, रिड्यूस्ड डिमांड एंड रैचेटिंग कॉस्ट आर फोर्सिंग स्मॉल बिजनेसेस टू क्लोज। क्या लिखा है कि जो रिड्यूस डिमांड है और बढ़ते हुए कॉस्ट है उसकी वजह से जितनी स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। वैसे तो ये आप सारे लोगों का पर्सनल ओपिनियन है, हम आप लोगों से एक चीज पूछना चाहते हैं। इस बार दिवाली की मार्केटिंग में आप बाहर गए थे? अगर बाहर गए तो होंगे तो आपने दो तरीके का सीन देखा होगा। एक देखा होगा कि छोटे लोकल मार्केट जहां पे आप लोगों को दिए सजाने का सामान दिख रहा है वहां भीड़ ही भीड़ बढ़ी हुई थी, बर्तन की दुकानों पे भीड़ पड़ी हुई थी, लेकिन कपड़ों की दुकानों पे क्या भीड़ था? आधे से ज्यादा शॉपिंग अब ऑनलाइन होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस का जो बंद होने का जो कहते हैं ना टेंडेंसी, वो बढ़ता चला जा रहा है। यस और नो, अगर आप इससे सहमत है तो एक बार यस जरूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा है प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव मतलब प्री का मतलब होता है पहल, पहल का मतलब होता है पूर्व, रक्ति पूर्व। अब देखो समथिंग डन बिफोर पीपल कैन एक्ट, याद रखिएगा कोई भी ऐसी चीज जो इससे पहले ही कर दी जाती है, इससे पहले कि लोग एक्ट करें उसे हम कहते हैं प्रीएम्प्टिव। लोगों के एक्शन के पहले ही हमने क्या किया, हमने उस सिचुएशन को खत्म कर दिया, हमने ऐसा काम कर दिया कि वो एक्ट ही ना कर पाए। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 को रिवोक जब किया था तो सबको पहले ही क्या किया, सबको पहले ही कारागार में कहते ना डाल दिया कि भैया नहीं अब ये कुछ कर ही नहीं सकते, राइट। सो ये भी एक तरीका होता है मेजर्स को इंप्लीमेंट करने का। चलिए देखो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है यहां पे द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड अ प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक अगेंस्ट द रेबल्स बिना किसी को सूचना दिए। इससे पहले कि वो एक्ट करे हमने ऑनलाइन, ठीक है, हमने पहले ही ऑनलाइन बोल दिया, आप लोगों ने मैसेज किया तो हमने ऑनलाइन बोल दिया। चलो हमने पहले ही एयर स्ट्राइक लॉन्च कर दी कि भैया हमने मार दिया अब तुम मारो, है ना, आपको हमने संभलने का मौका ही नहीं दिया। समझ आया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, दैट इज विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है आसपास।
मेरे इर्द गिर्द का इलाका दैट इज विसिनिटी, ठीक है, आपके घर के नेबरहुड का इलाका दैट इज विसिनिटी, सराउंडिंग एरिया और डिस्ट्रिक्ट को विसिनिटी कहा जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बिल्कुल क्लियर, एक बार क्लियर है तो यस लिख देना, और अगर आप सभी को सेशन हमारा समझाना पसंद आ रहा है तो इस कमेंट सेक्शन में जहां पे आप 600 पहुंच चुके हैं इसे 700 पहुंचा दीजिए, बस इतना कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, विसिनिटी का मतलब याद रखिएगा फिर से, आई एम टॉकिंग अबाउट द सराउंडिंग एरियाज। The number of people living in immediate vicinity was small, जो number of लोग थे जो अगल बगल के area में रह रहे थे उनकी जो उनका जो number है वो बहुत कम है। I hope सभी को ये question भी बिल्कुल clear होगा, crystal clear होगा। Stubble, stubble का देखो meaning क्या हो जाएगा, इसका मतलब basically देखो हम इससे relate नहीं करेंगे फिलहाल के लिए, स्वाभाविक छोड़ रहे, समझाना देखो और आसान है। Stalks of cereals left sticking out on ground after harvesting या stiff hairs growing on the parts of body, नहीं आपके पास अभी नहीं है। चलिए देखो हम आपको कैसे समझा सकते थे, आप लोग वो करते हो ना, क्या कहते हैं उसे, आप लोग क्या करते हैं, शेविंग, शेविंग जब आप करते हो तो शेविंग के बाद जो हेयर्स निकल के आते हैं चीक्स पे वो बहुत ज्यादा कड़े होते हैं ना, स्टबल उन्हीं को कहा जाता है। लेकिन स्टबल जब आप धान की खेती में से हार्वेस्टिंग कर देते हैं तो जो धान जो नीचे कटी हुई रह जाती है वो भी देखो बहुत एकदम नुकीली सी हो जाती है ना, उसे भी स्टबल कहा जा सकता है। चलिए अब देखो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, इन द डिस्टेंस अ विस्प ऑफ स्मोक रोज फ्रॉम बर्निंग स्टबल, याद रखिएगा क्या लिखा है कि कुछ ही दूर पे दिखाई दिया कि एक विस्प ऑफ स्मोक दिख रहा था फ्रॉम द बर्निंग स्टबल, मतलब जहां पे धान की खेती थी उसे जलाया गया होगा जिससे स्मोक उठता हुआ दिख रहा था। क्या ये सभी को क्लियर है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका पीसमिल, पीसमिल का भी जो मीनिंग होता है वो होता है पार्शियल मेजर्स टेकन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिट बाय बिट अ लिटिल एट अ टाइम, सारे का मीनिंग एक साथ, पीस का मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके, तो बस पीस मील से याद रखिएगा कि थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में, क्वांटिटी, अ लिटिल एट अ टाइम, हर समय के लिए छोटा छोटा जो क्वांटिटी होता है दैट इज योर पीस मिल। अब देखो हमने क्या लिखा है, फॉरेस्ट कवर्स आर स्लोली बीइंग किल्ड बाय पीस मिल डेवलपमेंट, फॉरेस्ट कवर्स धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं ग्रेजुअली डेवलपमेंट की वजह से, हर बार थोड़ा सा एरिया लेते हैं हम कहते हैं इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे, बट अगली बार फिर एक कंस्ट्रक्शन करना है और फिर थोड़ा सा एरिया ले लिया, तो ये जो छोटे छोटे डेवलपमेंट है इसकी वजह से हम खो किसे रहे हैं, हमारे फॉरेस्ट कवर्स को। अगर आप सारे लोग इस वाले स्टेटमेंट के साथ सहमत है तो एक बार येस लिख दीजिएगा, सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, माय फेवरेट सेक्शन कमिंग टू idioms phrases one word substitution, बीट द ड्रम, किसी चीज को ढोल बजा के अगर बता रहे हो इसका मतलब बहुत ज्यादा खुश हो और वो चीज प्रमोट करने लायक है कि नहीं। चलिए जैसे जश्न को सेलिब्रेट किया जाता है बाय बीटिंग द ड्रम, राइट, सो प्रोमोट और सपोर्ट समवन और समथिंग उसे कहते हैं बीट द ड्रम। इसके अलावा बीट अबाउट द बुश, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, सही चीज नहीं बता रहे हैं, हमने आपसे पूछा आप देर क्यों हुए तो आपने कहा कि अच्छा ऐसा वैसा, लेकिन आप कारण नहीं बताए। सो टू बीट अबाउट द बुशेस अवॉइड टॉकिंग व्हाट इज नेसेसरी, इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात ना करना। बॉल ऑफ फायर, इफ यू आर अ बॉल ऑफ फायर, आप खुद बताइए आर यू अ बॉल ऑफ फायर, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, आर यू एन एम्बिशियस एंथुजियास्टिक पर्सन, क्या आप एक एम्बिशियस और एंथुजियास्टिक पर्सन है, यस लिख दीजिएगा, आपको बॉल ऑफ फायर याद हो जाएगा। दिन भर में 10 बार बोल देना यस आई एम अ बॉल ऑफ फायर, मतलब आई एम एंथुजियास्टिक, आई एम एम्बिशियस। चलिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, मिसोगैमिस्ट, आज सारे हमने मैरिज के ऊपर लिया है याद रखना, हेटर ऑफ मैरिज जिसे शादी नहीं करनी वो मिसोगैमिस्ट है, मोनोगैमी मतलब मैरिंग वन एट अ टाइम, आप एक ही पर्सन से शादी कर रहे हैं एक ही समय पे, पॉलीगैमी का मतलब प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, एक साथ दो दो हस्बैंड के साथ शादी करने को हम पॉलीगैमी कहते हैं। आपका आंसर होना चाहिए कि पॉलीगैमिस्ट फिर किसे कहते हैं, याद रखिएगा आपका क्वेश्चन है पॉलीगैमी, हम बता दिए पॉलीगैमिस्ट का आंसर, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में देखें बहुत जल्द। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर के एक्सप्लेनेशन की तरफ, क्योंकि इसके बाद आपको टोन ऑफ द डे भी समझाना है तो इसका भी ध्यान रखिएगा। ओह बिल्कुल, इस आर्टिकल डिस्कशन से पहले मैं आपको बता दूं, जरा फुल स्क्रीन कर दीजिएगा, टेक्निकली फुल स्क्रीन कर दीजिएगा, हाँ इस आर्टिकल को रीड करने से पहले मैं आपको बता दूं, समझाने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी लोग काइट फ्लाइंग करते हैं या पतंग उड़ाते हैं जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं, उनके लिए आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको आर्टिकल डिस्कशन के दौरान पता चल जाएगा। तो आर्टिकल बहुत ही बेहतरीन है और मैम के इस वंडरफुल एक्सप्लेनेशन के लिए अभी तक जिसने लाइक ना किया हो वो लाइक कर दे, क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी लाइक कर रखा है आप उसे लाइक करेंगे तो वो अनलाइक हो जाएगा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं, काइट फ्लाइंग को लेकर ये आर्टिकल है, मकर संक्रांति आने वाली है लेकिन
इस आर्टिकल की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों मेरे साथ हो, तो इस आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि अलग अलग राज्यों में भारत के अलग अलग समय पर पतंग उड़ाई जाती है। जितने भी लोग मेरे साथ यहां पर जुड़े हैं, कनेक्ट हैं, बस उनसे मैं एक बात यहां पर जानना चाहूंगा कि आपके राज्य में पतंग कब उड़ाई जाती है, किस फेस्टिवल में उड़ाई जाती है, एक बार टाइप करके मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 2 से 3 मिनट, 5 मिनट मान लेते हैं, आर्टिकल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आपने बचपन में या अभी भी आप पतंग उड़ाते हैं। बात कर लेते हैं यहां पर The perilous use of manja. Perilous का मतलब क्या होता है? मैंने बताया जोखिम भरा, ठीक है। A synthetic kite string coated with the powdered glass. जो लोग पतंग नहीं उड़ाते हैं उनको कम पता होगा कि जैसे आपको यहां पर एक इमेज नजर आ रही है कि ये जो आपका एक धागा होता है, इसमें जो ग्लास होता है, कांच होता है, पिसा हुआ कांच उसमें चिपकाया जाता है, इसको कोट किया जाता है, काफी नुकीला, काफी पेनाव, काफी धारधार होता है। रिमेन्स परवेसिव अगर हम बात करें यहां पर, इनडेंजरिंग human lives and making a mockery of the multiple bans on its manufacture and sale. हम सभी जानते हैं कि जो चाइनीज मांझा है उस पर बैन काफी लगाए गए हैं, मांझे को लेकर भी बैन लगाए गए हैं, लेकिन मॉकरी का मतलब मैं हमने क्या बताया कि एक तरह से मजाक उड़ाना, लेकिन ऐसा मजाक उड़ाना जिससे दूसरे को फील होता है। तो बिल्कुल भारत के देश में जितनी बार भी इस पर प्रतिबंध लगाया गया, मैडम देखिए कहां कहां कब कब कैसे कैसे पतंग उड़ाई जाती है, अहमदाबाद का भी नाम आएगा, गुजरात का भी नाम आएगा आर्टिकल डिस्कशन के दौरान। तो इतने ज्यादा बैन लगाए गए हैं, उसके बावजूद भी मांझे से अगर किसी की डेथ होती है तो वो एक मजाक ही है भारत के बैनिंग सिस्टम के ऊपर। समझिएगा, एक 3 वर्षीय बच्चा जिसका नाम था अभिमन्यु, चेन्नई में डाइड हुआ, उसकी डेथ हो गई संडे के दिन, जिस दिन हम और आप संडे को एंजॉय कर रहे थे। After dangling, मतलब dangling का मतलब उलझ जाना, या जो मांझा है वो रगड़ जाना, slit his neck, उसकी जो गर्दन है उस पर वो मांझा रगड़ गया, while he was sitting on a motorcycle and his father rode in the latest victim. तो पिता के साथ पीछे बैठा, 3 साल के बच्चों को क्या पता चलेगा, धागा कहीं से आया, मांझा कहीं से आया, उसकी गर्दन पर अकड़ गया, बच्चा जमीन पर गिर गया और उसको काफी चोट आई और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ओनली इन अगस्त, केवल अगस्त के महीने की बात करें, अ मैन इन दिल्ली, उसकी भी डेथ हो जाती है आफ्टर बींग इंटेंगल्ड विद द बाई अ मांझा, उसकी भी डेथ हुई। तो दिल्ली में भी एक इसका केस रिकॉर्ड हुआ है। मोस्टली स्टूडेंट ने यहाँ पर लिखा है कि मकर संक्रांति में पतंग उड़ाने का रिवाज है और मकर संक्रांति 1 से 2 महीने बाद है, इसलिए आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक ये समस्या भी बन गई है। एक्चुअली द अर्लिएस्ट रिकॉर्ड इंस्टेंस ऑफ अ डेथ कॉज्ड बाय अ काइट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब धागा होता है, पतंग उड़ाने का धागा, इसे आप मांझा भी कह सकते हैं, इन चेन्नई वाज इन अक्टूबर 1975 इन द वेक ऑफ विच 197 पीपल वेयर अरेस्टेड। सबसे पहला देखिए, अभी हाल ही में चेन्नई में उस बच्चे की डेथ हो गई मांझे के गले में रगड़ जाने की वजह से। सबसे पहला केस मांझे की वजह से जो मौत का चेन्नई में रिकॉर्ड हुआ था तो अक्टूबर 1975 में हुआ था और उस समय 197 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, समझ रहे हैं ना मेरी बात, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सुधरने वाले नहीं हैं और इस तरह के इंसिडेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। अगली लाइन के लिए मुझे स्क्रीन से हटा दीजिएगा। बहुत बढ़िया, टेक्निकल टीम अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए। काइट फ्लाइंग इज नॉट जस्ट अ पास टाइम, कुछ लोग सोचते हैं ये पास टाइम है लेकिन ऐसा नहीं है, बट ऑल्सो एन ऑर्गेनाइज फेस्टिवल इन स्टेट्स सच एज गुजरात एंड राजस्थान। गुजरात और राजस्थान में जो फेस्टिवल होता है, जैसे कि मकर संक्रांति, स्टूडेंट ने लिखा भी है, उसके दौरान भी लोग काइट फ्लाइंग करते हैं कि नहीं। ड्यूरिंग द ईयर्स मकर संक्रांति 3 persons, पिछले साल की सॉरी ड्यूरिंग दिस ईयर यानी कि इस साल जनवरी के महीने की अगर हम लोग बात करते हैं 2019 में, अगला साल तो 2020 में आएगा, 3 लोगों की मौत हुई थी, कहां पर, गुजरात में, एंड ओवर 100 इंजर्ड इन डिफरेंट स्टेट, अलग अलग राज्यों में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए, 3 लोगों की मौत हुई गुजरात में इसी साल मकर संक्रांति जनवरी के महीने में। इंसान तो ठीक है मैम, जिनके बारे में हम लोग सोच लेते हैं, पक्षियों का क्या, बर्ड्स इंक्लूडेड द व्हाइट रम्प्ड वल्चर, वैसे ये बंगाल में काफी पाया जाता है, ये गिद्ध है, yes, और ये बंगाल में काफी पाया जाता है। अगर इनकी हम बात करें तो इनकी सबसे ज्यादा मौत होती है मांझे के साथ फंस जाने की वजह से, चिड़ियों के साथ फंस जाने की वजह से। एक एस्टिमेट यहां पर दिया गया है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, ये कहा गया है कि एटलीस्ट 2000 बर्ड्स, ध्यान से सुनिए पतंग उड़ाने वालों, 2000 पक्षी बर्ड्स आर इंजर्ड इन एन एनुअल काइट फ्लाइंग इवेंट इन अहमदाबाद। हम सभी जानते हैं कि पतंग उड़ाने का जो फेस्टिवल है अहमदाबाद में काफी धूमधाम से होता है और वहां पर हर साल 2000 पक्षी घायल होते हैं, जिनमें से 500 पक्षियों की तुरंत मौत हो जाती है या कुछ ही समय के बाद मौत हो जाती है। पक्षियों के लिए भी ये काल है, जो मांझा आप उड़ाते हैं अपने मजे के लिए दूसरे की जान ले सकता है। डब्ड चाइनीज मांझा, जो कि इंडिया में ही बनाया जाता है, एक चाइनीज मांझा होता है वो इंपोर्ट किया जाता है चाइना से, दूसरा जो डब्ड होता है वो इंडिया में ही लोकली मैन्युफैक्चर किया जाता है।
द ट्रांसपेरेंट, ये काफी ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, पता नहीं चलता है कि कब ये आ गया, आपको पता नहीं चलेगा, ये ट्रांसपेरेंट होता है, काफी नजर नहीं आता। लाइट कलर होता है इसका, इस स्ट्रिंग का, इस धागे का, इज नॉट इजिली विजिबल, आसानी से दिखाई नहीं देता। वाइल द कॉटन थ्रेड टू इज कोटेड विद फाइनली पाउडर्ड ग्लास, इट्स शार्पनेस इज ब्लंटेड व्हेन मिक्स्ड विद द बॉइल्ड राइस फ्लोर एग व्हाइट एंड इस्तेमाल करते हैं तो जो माझा होता है, जो दूसरे की पतंग काटने के लिए इस्तेमाल होता है, वो और धारदार हो जाता है, वो और नुकीला और पैना हो जाता है, जो किसी की गर्दन भी काट सकता है। टेकिंग दीज इनटू अकाउंट, इन सारी बातों को ध्यान में रखें तो जुलाई 2017 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बैंड सिंथेटिक माझा अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में इसको बैन कर दिया गया। इसके अलावा अथॉरिटीज को भी डायरेक्ट किया गया, ऑर्डर दिए गए, बुक दी वायलेटर्स नॉट ओनली अंडर दी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पेनल कोड आईपीसी की धाराओं के तहत भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अलावा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएलिटी टू एनिमल्स, क्योंकि हम जानवरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए इस कानून का भी उल्लंघन हो रहा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का भी उल्लंघन हो रहा है, तो इन केसेस के लिए तुरंत वारंट और गिरफ्तारी वगैरह की भी बात यहां पर कही गई है। अनलेस दी अथॉरिटीज की बात करें, गेट देयर एक्ट टुगेदर, जब तक ये साथ में काम नहीं करेंगे, अलग अलग अथॉरिटीज जो इसे रोकने के लिए काम करते हैं, जब तक साथ में काम नहीं करेंगे, द लिस्ट ऑफ द कैजुअलिटीज कुड ओनली गेट बिगर, तब तक मामले बढ़ते ही जाएंगे, लोगों के साथ इस तरह की जो घटना है वो बढ़ती ही रहेंगी। एनदर मकर संक्रांति अराउंड इन 2 months टाइम, यानी कि अब से लेकर 2 महीने के बाद मकर संक्रांति है, अगर पहले से इस पर तवज्जो या इसको महत्व दिया जाएगा तो हो सकता है हम इस मकर संक्रांति कुछ पक्षियों की भी और कुछ लोगों की भी यहां पर जाने बचा पाए। उम्मीद है आर्टिकल का डिस्कशन आप सभी को क्लियर रहा होगा, एक बार यस लिखकर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैम को भी सामने ले आएगा टेक्निकल टीम। आर्टिकल डिस्कशन यहां पर कंप्लीट होता है और मैम के माध्यम से यहां पर जानेंगे टोन ऑफ द पैसेज क्या है। चलिए, इस आर्टिकल का टोन अगर डिस्कस किया जाए तो आपने नोटिस किया होगा कि इस आर्टिकल में हमने बहुत कड़े मुद्दों पे बात करी है, ठीक है, हमने सजेशंस बहुत हद तक नहीं दिए हैं, तो इस आर्टिकल का टोन बिल्कुल क्रिटिकल होके चला जाएगा। द टोन ऑफ द आर्टिकल इज गोइंग टू बी क्रिटिकल। यस, ये कंप्लेन कर रहा है, पैसेज में बताया जा रहा है कि इसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं, सेशन अगर आप सभी को पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, कमेंट एज मच एज पॉसिबल, शेयर एज मच एज पॉसिबल एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल। ठीक है, 1 मिनट में आपका रीजनिंग का सेशन अलाइंड है, पर कोई कहीं नहीं जाएगा, सीधे बैक जाइए और रीजनिंग वाले लिंक पर क्लिक करके सर का साथ दीजिए। अपना अंकित नेहरा जी, ट्रेन फास्ट नहीं हो रही है, ट्रेन अपने स्टेशन पर पहुंच गई है, सेशन की समाप्ति है, मिलेंगे कल सुबह 8 बजे आप सभी के साथ एक और बेहतरीन सेशन में। धन्यवाद आप सभी का सेशन में जुड़ने के लिए। वेरी गुड डे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।